ये बाइक हमने परचेज की है इन सब में से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आप ये मेरे से वजह भी पूछेंगे कि फिर से क्यों, तो ये मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी पड़ेगी। चलो अब हम चलते हैं। सोचेंगे कि ये ऐसे ऐसे क्यों आ रहा बार बार, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है बाइक मैंने ली, और बाइक लेने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत अहम होते हैं, हमें देखने चाहिए। और मैं वहाँ पे मतलब पैसे वगैरह का काम कर रहा था, तो उन लोगों ने ये किया था कि फ़ौरन अपनी मर्ज़ी से कोई भी बाइक निकाली और उसको तैयार करके मेरे सामने ले आए। तो मैंने उनको कहा कि मुझे वो बाइक नहीं चाहिए कि उसमें फॉल्ट था। तो कभी भी आपने ये काम नहीं करना कि जो बाइक है उनके भरोसे छोड़ दें। मैं ख़ुद ऊपर गया, ऊपर जाके मैंने अपनी बाइक चूज़ की और बाइक में क्या क्या पॉइंट्स देखे। नंबर वन, मैंने सबसे पहले ये देखा कि उसका साइलेंसर रैपिंग हुआ हो, मतलब जो रैप किए हुए नहीं होते उनमें कोई मसले मसाइल आते हैं, कोई फॉल्ट में भी वापस आती हैं बाइक्स, तो वो बहुत मसला होता है। सबसे पहले आपने देखना है कि रैपिंग की हो साइलेंसर में। दूसरा, आपने हर बाइक की चाबी लगी होगी, जो नई बाइक होगी उसको आप ऑन करेंगे तो जो न्यूट्रल का बटन है वो ऑफ ही देगा, और अगर तो वो ऑन हो गया और उन्होंने नई बाइक्स के अंदर 15-20 बाइक्स रखी होती हैं जिसको आप चाबी से करो तो न्यूट्रल का जो लाइट है वो शो होती है, जिसमें लाइट शो नहीं होगी वो बाइक आपने लेनी है, ठीक है। और मैं बाइक लेने के दौरान मैं इतनी बात नहीं की क्योंकि मैं थोड़ा था कन्फ्यूज, ताकि मैं अपनी बाइक ठीक वगैरह, मेरा ये मकसद था कि मैं बाइक भी ठीक ले लूँ अपने तरीके से, देखे कोई स्क्रैचलेस बाइक ना हो, तो इसलिए। तो कंटिन्यू वॉचिंग एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ये बाइक हमने परचेज की है इन सब में से। बाइक का रिव्यू ले लें कि मैंने ये बाइक क्यों ली। बेसिकली मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप जो हो ब्लैक की तरफ पे जाओ, रेड 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 रेड, ब्लैक क्यों नहीं ले रहे, ब्लैक क्यों नहीं ले रहे। तो मेन चीज़ ये है कि पापा ने भी बाइक लेनी थी, तो जो वो रेड बाइक थी वो मैंने पापा को दे दी और ब्लैक मैंने अपने लिए रख ली। अब मैं आपको बताता हूँ इसके फंक्शंस वगैरह। बेसिकली जो 2022 से पहले वाले मॉडल्स हैं उधर शॉक्स, ये जो रिंग देख रहे हैं ये थोड़े मिलेंगे आपको, ज़्यादा में मीन्स कि ये कंफर्टेबल ज़्यादा होगी बाइक। ऊपर से जब मैं इसकी सीट को देखूं तो सीट भी मुझे सॉफ्ट नज़र आई। उसके बाद मुझे थोड़े इंजन में चेंजिंग नज़र आई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ था, पहले वो बाहर वाली साइड पर होता था, ये अब अंदर वाली साइड पर है, ठीक है। ओवरऑल आप लुक चेक कर लें एक दफ़ा बाइक की, ये बाइक की लुक है सारी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइक खरीदने की मेन वजह क्या थी।
बेसिकली मेन वजह मेरी यही थी कि पापा कह रहे थे रेड बाइक, क्योंकि जब मैं वो रेड बाइक लेके आया था तो पापा कह रहे थे कि मुझे भी बाइक लेनी है। और जब मैंने सोचा कि पापा भी रेड ले रहे हैं, तो मैंने पापा को कहा कि ये रेड बाइक आप ले लें और मैं ब्लैक बाइक लेता हूँ। तो इस वजह से मैंने ब्लैक बाइक ली और मुझे ब्लैक ज़्यादा ग्रेसफुल लगी। और मैंने रेड ब्लैक बाइक इसलिए ली ताकि मैं रेड से थोड़ा चेंज हो सकूं, ठीक है। आपने मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और प्रेस द बेल आइकन, ठीक है।